हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू अर्पिताज आईक्यू एंड दिस इज इस वीडियो में हम नॉन परफेक्ट नंबर के जो स्क्वायर रूट होना है वो कैसे चुटकियों में निकालते हैं वो ताकि एग्जाम हॉल में आपका टाइम भी सेव हो और स्कोर भी अच्छा आए। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले टू डिजिट नंबर लेके स्टार्ट करते हैं। लेट्स से रूट 10। इस 10 को आपको दो पार्ट्स में ब्रेक करनी है। एटलीस्ट यहाँ पे एक तो नियरेस्ट कोई परफेक्ट नंबर लेनी ही पड़ेगी। सो 10 कैन बी रिटन एज 9 + 1। दूसरा एक परफेक्ट नंबर 16 - 6 भी हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि 16 भी यहाँ पे परफेक्ट है। 9 इज द परफेक्ट एंड 1 दिस इज द नॉन परफेक्ट, हियर 6 इज द नॉन परफेक्ट। सो आपको बेसिकली एक परफेक्ट और एक नॉन परफेक्ट के कम्बिनेशन में यहाँ पे जो भी नंबर गिव है ना उसको ब्रेक करनी है। बट ऑलवेज ट्राई टू टेक द नियरेस्ट परफेक्ट नंबर, जैसे कि यहाँ पे 9। ये भी गलत नहीं है बट यहाँ पे थोड़ा एक्यूरेसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि नियरेस्ट जो परफेक्ट नंबर है वही कॉम्बिनेशन लीजिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप है 9 का जो रूट है दैट इज 3। यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए हम प्लस साइन लगाएंगे। अब 1 है सो 1 विल रिमेन एज इट इज। नाउ ये जो 3 है ना इसका डबल लिखेंगे डिनोमिनेटर में, दैट इज 2 × 3, ठीक है। सो अल्टीमेटली यू गेट 3 + 1/6। आप सिंपली 1/6 को कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल पे, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं ये पूरा जो चीज़ निकला है ना इसको सबसे पहले वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं फिर वो डेसिमल निकालते हैं, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सिंपली आप इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। फ्रैक्शन टू डेसिमल का जो कन्वर्शन है उसका एक डेडिकेटेड वीडियो लिंक है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने पे मुझे क्या मिला 0.16। अब इसका मतलब आंसर इज योर 3.16। सो रूट 10 मीन्स 3.16। लेट्स टेक अनदर 3-डिजिट एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ 360। अब देखिए 360 को भी इसका नियरेस्ट कोई परफेक्ट नंबर के कॉम्बिनेशन में ही आपको ब्रेक करनी है। So you can write it as 625 + 5. We all know that square root of 625 is nothing but 25 plus 5 double of 25 that is 50. अब देखिए इसको simplify करने पर क्या मिला आपको 1/10. So 1/10 is nothing but 0.1. So the answer is 25.1. 4-digit number लेके भी check कर लेते हैं। सपोज द एग्जाम्पल इज 1080। इसका जो नियरेस्ट परफेक्ट नंबर है दैट इज योर 1089। सो ये तो ज़्यादा है, इसका मतलब यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम इट। नाउ 1089 मीन्स दिस इज द स्क्वायर ऑफ 33। सो 33 - 9/33 दैट इज 66। इफ यू सिंप्लीफाई इट सो 3/22। सो जस्ट कन्वर्ट 3/22 इंटू डेसीमल, सो इट विल बी 0.13। नाउ 33 - 0.13, वाई? बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, पहले हम उसको जोड़ रहे थे ना 30, यहाँ पे अगर प्लस होता तो डायरेक्टली यू कैन राइट लाइक दिस, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है ना, that means we have to subtract this value from 33, 32.87. so that is your answer. so square root of 1080 is nothing but 32.87. this is the approximate value. देखिए non perfect number का जो square root है ना उसमें आपको approximate value ही पूछी जाती है, ठीक है। आप calculator से भी check कर सकते हैं, आपको यही result मिलेगा। hope this is helpful to you. thanks for watching. और हाँ subscribe करना मत भूलिएगा।